Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. एक बार फिर से मेरठ में जेल प्रीमियर शुरू हो रहा है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। बता दें, कैदियों के मनोरंजन के लिए जेल प्रीमियर लीग 2017 में स्टार्ट हुआ था और इस बार पांचवा जेल प्रीमियर शुरू हो रहा है, जिसमें 60 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें फाइनल तक 47 मैच होंगे। बताते चलें, होने वाले इस जेल प्रीमियर में 60 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें तमाम बंदी ही हैं। साथ ही बता दें, इस बार जेल अधिकारियों की एक भी टीम नहीं रहेगी। पिछले 4 वर्षों में जेल अधिकारियों की टीमें रही हैं, लेकिन इस बार स्टाफ की कमी के चलते एक भी टीम नहीं है। आइए जानते हैं जेल सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार से कि जेल प्रीमियर का आयोजन क्यों किया जाता है। कितनी टीमें भाग ले रही हैं और कितने मैच होंगे? इस समय जो जेल प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है, ये 2017 से स्टार्ट हुआ था। ये पांचवा जेल प्रीमियर लीग है और इसमें 60 टीमें भाग ले रही हैं और टोटल मैच फाइनल तक की 47 होंगे। ये जो भी जेल प्रीमियर लीग हो रहे हैं, ये बंदियों के मनोरंजन के लिए हैं और इसमें जितनी भी टीमें हैं, 60 टीमें जो भी हैं, इसमें सभी बंदी भाई ही हैं, कोई जेल का स्टाफ या और कोई बाहर की टीम नहीं है। तो इसमें जो अधिकारियों की क्या भागीदारी है, वो भी टीमें खेल रहे हैं? नहीं, इस बार जेल अधिकारियों की कोई टीम नहीं है। पिछली बार तो एक टीम थी, विगत 4 बार टीम रही है जेल अधिकारियों की, लेकिन इस बार चूँकि स्टाफ कुछ कम है तो जेल स्टाफ की टीम कोई नहीं है। सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये 4 दीवारी में कैद रहते हैं, तो एक तरीके से मानसिक दबाव भी होता है, तो क्या इसको रिलीज़ करने के लिए इस तरीके की मनोरंजन? ऐसा ना, जब बंदी विभिन्न परिवेश से आता है तो अवसाद में रहता है और तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे जमानत का है या और तमाम खर्चे हो जाते हैं, तो उसको ये सब रिलीज़ करने के लिए, उनके अवसाद को कम करने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं। जैसे अब जेल प्रीमियर लीग है, कभी सम्मेलन करा दिया जाता है, कभी भागवत करा दी जाती है या कभी कबड्डी करा दी जाती है, और जैसे मंगलवार और शनिवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता रहता है। तो इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते रहते हैं, बंदी चूँकि अवसाद में ना आए, प्रसन्न चित रहें, स्वस्थ रहें जब तक यहाँ रहें, तो उनके मनोरंजन के लिए ही ये सभी प्रकार के आयोजन किए जाते रहे हैं। सर, टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें और कब तक आयोजन चलेगा? ये 26 दिसंबर को फाइनल मैच है और इसमें 60 टीमें हैं और 47, जैसे बताया गया है कि 47 मैच होंगे और हर टीम में 15 प्लेयर हैं, और जो नियम बनाए गए हैं, ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा कि जो खेल न सके, सभी को खिलाना आवश्यक है। देखिए, खेल प्रीमियर लीग को लेकर आईजी प्रवीण कुमार से मिली जानकारी। आपने देखा होगा कि बंदियों की अपनी अलग जिंदगी है और जिनके कारण को यहाँ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन जेल प्रशासन ने जिस तरह जेल प्रीमियर लीग आईपीएल के तर्ज पर किया है और आज आप उसका उद्घाटन करने आए, सर आपको कैसा लगा ये जो माहौल जेल का, माहौल बदल रहा है जेलों में? देखिए, जेल प्रशासन वाकई में अच्छा कार्य कर रहा है। मैंने तो खैर जेल का रखरखाव भी देखा, पूरा जेल का भ्रमण किया, ये अपनी जगह है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो हॉस्पिटल था वो भी मैंने देखा, बहुत अच्छे से मेंटेन है। अब यहाँ तक JPL की बात है, पिछले 5 साल से ही ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये एक अच्छा तरीका है बंदियों की एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करने का। साथ में खेल में जीत हार होती है, तो हार को कैसे एक्सेप्ट करना है ये भी सिखाता है खेल हमको, जीत में एक साथ जश्न कैसे मनाना है ये भी सिखाता है। तो एक अच्छी पहल है जिससे खिलाड़ियों के व्यक्तित्व का और जो बंदी हैं उनके व्यक्तित्व का विकास भी होगा, साथ ही साथ उनको एक टीम के साथ खेलना, हार जीत को एक्सेप्ट करना, वो भी आएगा। आप एक खुद स्पोर्ट्स लवर हैं, आप खेल को पसंद करते हैं, आज आपको कैसा लगा यहाँ पे जब इस चौके छक्के देखे आपने? देखिए, वो बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा जेल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कि उन्होंने इस चीज़ को कंसीव किया और इसको आगे ले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेडिशन ये आगे भी कंटिन्यू। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं
एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।